कहते थे आपकी पार्किंग भाई बिल्कुल फुल है, इतने श्रद्धालु है ना, इतने सारे ट्रैफिक की फोर्स लगी हुई है उनको संभालने के लिए, लेकिन अच्छी तरह से मैनेज कर रखा तो कैची धाम में श्रद्धालु और वहाँ पूरी लाइन दिख रही है। कैची धाम के जो जहाँ से दरबार की एंट्री होती है ना उसके जस्ट राइट में ये जूता स्थान है, यहाँ पर आप अपने जूते उतार के रख सकते हैं। अब करें हम कैची धाम के प्रवेश और ये है कुछ ऐसे स्टेट से आपको उतरना नीचे और यहाँ पर नदी है, ये नदी है छोटी सी, अभी बारिश में कितना फ्लो आता होगा। तब यहाँ से ना इसके बाद से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन है, तो अभी दर्शन करके आएंगे फिर बाहर निकलेंगे फिर आपको बताएंगे कि यहाँ में कितना शांति मिलती है। तो कैची धाम के दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत सुकून है। तो ये है नदी और इसमें यार मछलियाँ हैं यार बहुत सारी, तो ये सभी श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं और हम भी दर्शन कर चुके हैं। इतना अच्छा पीसफुल वेदर है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आपका प्रेमेसिस मिलेगा, स्पेस मिलेगा ध्यान करने के लिए, अंदर हनुमान जी की अंदर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा शेर वाली माता की मूर्ति, वहाँ इतना पीसफुल है आप जरूर आना अगर नहीं। हम दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आप भी जरूर आना। और यहाँ का जो वेदर है ना ओवरऑल वो भी अच्छा रहता है, जैसे नैनीताल में नॉर्मल ठंड रहती है तो यहाँ भी ऐसे ही रहता है। और बाकी आप देख सकते हो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा इधर, यहाँ इतने श्रद्धालु है ना आप सोच नहीं सकते। आज तो है मंडे लेकिन जो परसों था कैची धाम का 15 जून को वो स्थापना दिवस था, उस दिन तो बहुत रश था। एक्चुअली क्या था उस दिन हमारे पास ना बैग में सामान बहुत था और अगर हम आते ना तो हम फंस जाते क्योंकि हमारे पास सामान था, लगे से बहुत चौड़ा हो जाता बैग, तो इसलिए हमने ये सोचा कि पहले मंडे को आएंगे जिस दिन आपके अच्छी तरह से दर्शन जाएंगे। अभी कर रहे हैं एग्जिट और यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से देखिए हमने और इधर है मंदिर और यह श्री कैची धाम बाबा श्री नीम करोरी महाराज। एक मिनट, तो भाई अभी लाइव कर रहे हैं अपने फेसबुक लाइव पे और यहाँ पर बहुत भीड़ है अपना, अब धूप निकलने स्टार्ट हो गई है और पसीने पसीने आ रहे हैं और दर्शन हो गए बहुत अच्छे, ऐसे के दर्शन हुए आज भी रस था लेकिन कल और परसों के मुकाबले आते ही रस था, तो कल और परसों तो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर अभी दर्शन कर लिए, अब निकलेंगे अपने बाइक की पार्किंग के पास। तो ये है कैची धाम की एंट्री और इसके बाद कुछ खाने पीने का यहाँ प्रसाद भी मिलता है, वहाँ कैची धाम के शो वगैरह उतार सकते हैं आप, शो स्टैंड है। और आगे आपको जाते रहेगा तो रेस्टोरेंट होटल वगैरह सब मिलेंगे आपको, लेकिन अभी क्या होता है पीक में थोड़ा महंगा होता है, नॉर्मल डेज में मतलब रीजनेबल रेट होता है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा और दर्शन इतने अच्छे हैं। तो हम कैची धाम से जस्ट दर्शन करके बाहर आए और हमें कुछ श्रद्धालु मिले हैं जिनको थोड़ी सी शिकायत है यहाँ से, तो पहले भाई आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं शाहदरा का रहने वाला हूँ। तो भाई आपका? ओम नाम है भाई, मैं शाहदरा का रहने वाला हूँ। भाई आप? अविनाश शाहदरा। तो भाई आप पहले तो आए भाई, तो भाई को ना कुछ मतलब पहले ये बताओ दर्शन कैसे हुए? दर्शन बढ़िया पावर अच्छे अच्छे दर्शन हो गए, जस्ट आप आए आ जाए बस बहुत बढ़िया। जय बाबा नित्य।
भाई को ना भाई हमें ये इशू है यहाँ के जो लोकल लोग हैं हम रूम रेंट पे देते हैं ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेट दे रहे हैं, बाथरूम के और टॉयलेट के नहाने के 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन के अलग से अलग से। और मतलब होटल के साथ इंक्लूड नहीं है? नहीं इंक्लूड नहीं है ठीक है। तो उसके साथ मतलब 150 रुपये पर बंदा दे रहे हैं और 2500 रुपये से 3000 रुपये पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं 1% का। 1% का तो हम सेम डे सिर्फ सेम डे तो कैंची धाम के प्रशासन से हम थोड़ी गुजारिश करेंगे। तो ये जो इशू हमें आप पता लगा, मुझे भी पहली बार पता लगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम दर्शन करने आया बाबा जी के। तो जैसे कि इतना ज़्यादा चार्ज है, नहाने का चार्ज अलग ले रहे हैं, नहाने का चार्ज लगे, तो कैंची धाम प्रशासन से इसलिए आग्रह है कि इस बारे में थोड़ा संज्ञान ले और श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो उस यहाँ को मार्गदर्शित करे होटल वाले को प्रेमिसेस को कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो बात नहीं, अब यहाँ तक हम चाहेंगे कि प्रशासन कुछ एक्शन ले और आने वाले श्रद्धालु को बहुत ही नॉर्मल तरीके से दर्शन हो जाए और यहाँ रहने का देश। तो ये ट्रक देख रहे हो आप, इसके अंदर आ रही है क्रेन। तो यहाँ से जो धाम के दर्शन होते हैं बाबा नीप करोड़ी जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं बाहर पार्किंग की तरफ आ चुके हैं। अब हमारा मन बनना है कि यहाँ से निकलने का क्योंकि दर्शन हमारे आज बहुत बढ़िया हो गए हैं। 15 तारीख को यहाँ पे इसकी स्थापना दिवस थी। वैसे यहाँ की जो स्थापना है 1976 में नीम करोली बाबा के मंदिर की स्थापना के लिए एक छोटा सा मंदिर था, आज वह मंदिर यहाँ पर बहुत विशाल रूप में हो चुका है। कैंची धाम के दर्शन होने के बाद अब हम निकल रहे थे पार्किंग की तरफ को, तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और जय बाबा नीम करोली। तो अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी होगी, तो वीडियो देखी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नई वीडियो के साथ, जब तक ले बाय बाय।